देश में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। इसमें इंदौर सहित प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्टर्स ने समर्थन दिया है। इसके चलते शुक्रवार से ट्रांसपोर्ट का काम पूरी तरह से बंद है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि सभी व्यापार प्रभावित होंगे और आम लोगों को भी इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत, टोल बैरियर्स को खत्म करने, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में पारदर्शिता जैसी अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स द्वारा लंबे समय से शासन से मांग की जा रही है। इसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने आज मानव श्रृंखला बनाई और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। टोल टैक्स पे भी बहुत बड़ी गुंडागर्दी उनकी चल रही है। जरा सा भी ओवरलोड वजन हो तो हमसे 10% वसूलते हो, 10 गुना, मतलब जैसे मान लो जहाँ 500 है तो 500 का 10 गुना हमसे पैसे लेते हैं, तो है ना, तो उसको उनको बंद करने की कोशिश करें, या फिर हमसे जो गाड़ी हमारे बनाते हैं हम जो टैक्स देते हैं एक साथ, तो हमारा मानना ऐसा है कि उनको एक बार एक मुक्त ले लिया जाए। वो बार बार हमारा जो ईंधन व्यर्थ होता है, गाड़ी रुकती, जाम होता है, डीजल व्यर्थ का बर्बाद होता है, वो सब बंद होकर मैं एक साथ पैसे देने के लिए तैयार है। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ एक ज्वेलर के शुभारंभ समारोह में पहुंची। कैटरीना कैफ के अंदर पहुंचते ही उनके फैंस बड़ी संख्या में जमा हुए, जिसको लेकर इंदौर के इंद्रप्रस्थ टावर चौराहे पर जाम लग गया। बड़ी संख्या में लोग कैटरीना कैफ की एक झलक पाने के लिए पागल दिखाई पड़े, जिसके चलते सड़क पर जमकर धक्का मुक्की हुई। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। कैटरीना कैफ जितनी देर घंटाघर चौराहे पर मौजूद थी, उतनी देर सड़क के रास्ते जाम रहे। कैटरीना ने भी अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। इंदौर में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर चौथी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस दीपक गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बजाय पौधों को पानी और खाद मिट्टी देकर किया गया। कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हेमंत गुप्ता, यूनिसेफ की भारत की प्रमुख P5J8, कई राज्यों के मुख्य न्यायाधीश, इंदौर संभाग के 16 जिलों के जिला जज, भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय तिर्की और अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। काफी लोग जो सरकार में हैं, उनको चाइल्ड राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं है या कम पता है या सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी। और पिछले 3 सालों में मेरे ख्याल काफ़ी फर्क पड़ गया है, लोगों को पता पड़ गया है कि चाइल्ड राइट्स क्या है, बच्चों के भी राइट्स हैं और उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक ओर जहां प्रदेश सरकार लाखों रुपए पानी की तरह बहाकर स्कूलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और दूसरी तरफ कुछ स्कूलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका नज़ारा हरदा जिले के सिराली तहसील के शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम उमरी में देखने को मिला, जहाँ शासन द्वारा 15 साल से स्कूल भवन नहीं बनवाया है, जिस कारण ग्राम पंचायत के सामुदायिक भवन में शाला लग रही है। जानकारी देते हुए प्रधान पाठक सुनीता टोपियो ने बताया कि ग्राम उमरी में शासकीय माध्यमिक शाला, जो कि 2003 में शुरू हो गई थी, वर्तमान में इस शाला में 50 बच्चे 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जिनके लिए न तो भवन है, न ही शौचालय, न ही पीने के लिए पानी, सिर्फ कागजों पर ही बच्चों को ये सुविधाएं शिक्षा विभाग दे रहा है। शाला 2003 से खुली हुई है जी, जब से भवन तो ये कहाँ लगा रहे हैं अपन? हम लोग सामुदायिक मांगलिक भवन में लगा रहे हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे 50 हैं सर। और कमरा, एक्स्ट्रा कमरा है कि नहीं है? नहीं, एक्स्ट्रा कमरा कुछ भी नहीं है, है ना? जी जी। किचन? किचन हम सामुदायिक भवन में एक साइड में बना रहे हैं। समय पर नहीं आते शिक्षक, बच्चे घूमते रहते हैं, स्कूल मैदान में बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित, अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान। जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर ग्राम नायर में सुबह 11:30 बजे तक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचे। इस दौरान यहां से गुजर रहे खकनार जनपद CEO RBS दंडोतिया ने विद्यार्थियों को बाहर देखकर गाड़ी रोक दी तथा स्कूल पहुंचे तो विद्यार्थियों ने कहा शिक्षक नहीं आए हैं। इस पर CEO ने विद्यार्थियों को जमा किया और प्रार्थना करवाकर कक्षाएं लगवाई। यहां पर प्रधान पाठक पिछले 2 दिनों से नहीं आ रहे हैं। चौक से हैं मैडम, चौक से, तो 3 दिन से उनकी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर भी नहीं है। मैंने उनसे जवाब मांगा है, यदि संतोषजनक जवाब नहीं हुआ तो 3 दिन का उनका अवैतनिक मांग करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर उन्होंने संकुल प्राचार्य से छुट्टी ली है जन शिक्षक से? उनका छुट्टी का कोई आवेदन वहाँ उपलब्ध नहीं था।
चिरमिरी क्षेत्र की एनसीपीएच कालरी की 3 नंबर खदान ओल्ड माइंस में कार्य कर रहे किशोर नामक व्यक्ति को खान के अंदर द्वितीय पाली में गंभीर चोट लगने के कारण उसे तत्काल खान से बाहर निकालकर रीजनल अस्पताल गोदरी पारा चिरमिरी में ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तत्काल अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना खदान के अंदर न घटित हो सके। घटना के संबंध में सेफ्टी बोर्ड मेंबर भी घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी का जायजा लिया। हंडिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा शुक्रवार को रिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण हंडिया में आम सभा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। लगभग 3 घंटे चले कार्यक्रम के पश्चात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ हंडिया के मुख्य मार्गों से एक विशाल रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार प्रेम सिंह दीवान को 24 मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश आज पूरे देश में नंबर 1 पर है बहन बेटियों में अत्याचार। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे अपने आप को बोलते हैं कि मैं मामा हूँ, मैं रक्षा सुरक्षा करूंगा, लेकिन मैं आरोप लगाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि आज वो बहन बेटियों की अपनी भांजियों की रक्षा करने में अक्षम रहे। मैं उनके अपने गोंडवाना आंदोलन की ओर से इस्तीफे की मांग करता हूँ।